हेलो फ्रेंड, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड, काफ़ी दिनों से मैं अपने ब्लॉग स्टार्ट कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। क्या आप लोग वेट कर रहे थे मेरे ब्लॉग का? अगर कर रहे थे तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा, तो मैं अपने ब्लॉग को आपके लिए कंटिन्यू कर पाऊँगी। तो सुबह की शुरुआत होती है किचन से। तो आज सुबह मुझे जगने में थोड़ी लेट हो गई थी और आज आदिया को लंच बॉक्स में आलू चाप ले जाना था, तो वो ना कल से ही कह रही थी कि मुझे मम्मा आलू चाप खाना है, पर मैं नहीं बना पाई। तो मैंने उसे बोल दिया कि चलो मैं सुबह बना दूँगी, लंच बॉक्स में ले जाना। तो इसके लिए मैं आलू ना रात को ही बॉयल करके रख दी थी, तो सुबह जल्दी से बना ली। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आलू चाप बनाया, क्योंकि आदिया को लंच बॉक्स में, तो मीन्स आदिया को खाना था, क्योंकि ना वो थोड़ा भी तीखा वीखा नहीं खाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बॉयल आलू का छिलका हटा कर मैंने उसको अच्छे से मैश कर लिया। उसके बाद तो चूल गैस पे कढ़ाई रख के थोड़ी ऑयल डाली, थोड़ी उसी ऑयल में ही थोड़ी मिर्च पाउडर डाल दी, थोड़ी हल्दी पाउडर डाली, थोड़ी नमक डाली और थोड़ी जीरा भी डाल दिया था। बस आलू को डालकर भून लिया। फिर इसके बाद घोल के लिए बेसन लिया, बेसन का गाढ़ा घोल बना लिया और इसमें डाली थोड़ी नमक, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ी अजवाइन और थोड़ा सा नमक बस। अब इसमें जो आलू है ना, उसका छोटा छोटा टिक्की बनाकर डीप करके मैं इसको कढ़ाई में ऑयल में डाल दूँगी। बस थोड़ी सी ये फ्राई हो जाएगी, फिर मैं निकाल लूँगी। हाँ, लेकिन ऑयल बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम ही होना चाहिए, नहीं तो एक ही बार में ना सारा जो आलू है जल जाएगा और अच्छे से पक नहीं पाएगा। तो चार मैंने आदिया के लिए बना लिया, एक दो एक्स्ट्रा बना लिया कि उसका मन होगा तो खा लेगी, उसके बाद बाकी का रख दूँगी बाद में, और इसको थोड़ा सा स्पाइसी बना के हम सभी लोग खा लेंगे। और यहाँ पर साथ में मैंने चाय भी बना ली। आज आदिया को वैन से नहीं जाने का मन है, इसलिए पापा जाएंगे छोड़ने, इसलिए थोड़ा टाइम मिल गया और आराम से मैंने आदिया को रेडी किया। कोई जल्दीबाजी नहीं थी, क्योंकि आधे घंटे के बाद वैन से जाना तो थोड़ा जल्दी निकलना होता है। तो ये चाय बन गया, चाय हम सब लोग पी लेंगे एक साथ। फिर इवान भी जग गए इसमें, तो इनके साथ भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आज कोई जल्दी नहीं है। अदरक नहीं है आज ना, तो इसलिए मैंने इलायची डाल दिया चाय में, इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च। तो यहाँ पर मैंने आदिया का लंच बॉक्स रेडी कर लिया, उसके बाद आदिया को भी रेडी कर लिया। लंच बॉक्स में मैंने यही आलू चाप रख दिया चार, तो उसके बाद मैंने एप्पल काट के रख दिया, उसके बाद एक चॉकलेट दे दिया। चॉकलेट दे दो ना टिफ़िन में तो ये माताजी खुश हो जाती हैं। ये देखिए इवान दीदी से पहले ना इनको ही स्कूल में जाना होता है, मतलब बाइक पे जाना होता है। ये बाइक और पापा दोनों लोगों के फ़ैन हैं, दिन भर बाइक अरे पापा पापा करते रहते हैं और बाइक पर जाने के लिए बू बू करते रहते हैं। तो बेटी चली गई स्कूल, फिर मैं इवान को मालिश करूंगी, दूध पिलाऊंगी और घर की साफ़ सफाई, उसके बाद मैं लग जाऊंगी लंच तैयार करने में। ये देखिए नखरे इनके मम्मा नहीं जाना नहीं जाना, तीन दिन के बाद जा रही हैं। तो यहाँ पे मेरा लंच तैयार हो गया है और मैं बना लूँगी गर्मा गर्म रोटी। हस्बैंड जी भी आ गए हैं, बस उनको मैं परोस दूँगी। आज हस्बैंड जी सुबह चले गए थे तो इसलिए टिफ़िन भी नहीं ले गए थे, नाश्ता भी नहीं करके गए थे, तो वो घर पे आए दोपहर में खाना खाने के लिए। ऐसा ना बहुत कम ही होता है कि ये दोपहर में खाना खाने के लिए ही घर आएँ, क्योंकि अगर कभी नहीं भी खा कर या टिफ़िन लेकर नहीं जाते हैं ना तो भी नहीं आते हैं, आलस लगने लगती, कहते हैं छोड़ो इतना दूर क्या हूँ, ऐसे बाहर ही कुछ खा लूँगा। तो आज के लंच में था मिक्स दाल, चावल, आलू चाप और पकौड़ी, तरुए की सब्जी, एक पिकल, सलाद और गर्मा गर्म रोटी। सोचा था एक सब्जी और बना लूँगी, सब्जी कट भी गई थी आलू बोड़े की, लेकिन ना तब तक आ गए तो नहीं बना पाई।
तो लीजिए, गर्मा गर्म रोटी के साथ लंच हो गया तैयार, और साथ के साथ माँ को भी मैं यहाँ पे खाना दे दूँगी। तो खाना ख़त्म होते होते आद्या की वैन आ गई, तो ये खाकर तुरंत चले गए, आद्या को वैन से ले आए और उसके बाद ये चले गए। तो आद्या के स्कूल से आने के बाद तुरंत ही इवान जग गए, वो अभी सोए थे, तो आराम से मैंने लंच तैयार किया। इसके बाद खाना खाने के बाद बच्चों का को खाना वाना खिला करके, इन लोग की सेवा करके अब मैं आ जाऊंगी अपने, एक ना पौधा था मेरे पास उसके लिए गमला तैयार करने के लिए, तो मेरे पास ना एक पॉट पड़ा हुआ था, तो मैंने ना उसको ही कलर किया है, कल पेंट इसमें कल ही कर दिया था, तो ये बाकी का काम बाकी था, तो सोचा कि चलो आज उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। और साथ के साथ मैंने शमी भगवान जी के गमले को भी सुंदर, मतलब रंग पेंट करके उसको भी अच्छा बना दिया। एक्चुअली ना ये गमला बहुत ही पुराना हो गया था, अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा चलो आज इसका भी चमका देते हैं। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये गमला कैसा लग रहा है पेंट होने के बाद, और मैंने जो पॉट तैयार किया है प्लांट लगाने के लिए वो कैसा लग रहा है। प्लांट एक्चुअली ना वही प्लांट है जो सनी ने मुझे दिया था, जो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि सनी मुझे दो प्लांट ला कर दिया था, तो वही था। अभी तक ना मैंने उसको पॉट में नहीं लगा पाई थी मैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज गमले को रंग पेंट करके सुंदर बना के मैं उसमें ही उसको लगा देती हूँ। तो कैसा लग रहा है मेरा ये पॉट तैयार होके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा भी आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लव यू आप सभी को, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Love when we take our time to make love. Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute.